नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी के सामने आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पीएम श्री स्कूल से रिलेटेड लेकर आए हैं कि पीएम श्री स्कूल में किन शालाओं का होगा चयन। तो आइए देखते हैं कि पीएम श्री स्कूल में किन शालाओं का चयन किया जाएगा। तो देखिए, जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इस प्रकार से एक फॉर्मेट आता है और इस फॉर्मेट पर हमने अपनी डिटेल स्कूल की भरना होता है। तो यही इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए एक प्राइमरी स्कूल का लेकर आए हैं, प्राइमरी स्कूल की डिटेलिंग लेकर आए हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से फॉर्म भरा गया था। फॉर्म भरने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और हमें यस और नो में आंसर देने होते हैं। और जो जितने जो ऑप्टेंड मार्क रहते हैं, जितने अंक प्राप्त किया हुआ रहता है, तो यहाँ पर वो मार्क्स आ जाते हैं। इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस, यह देखिए, इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस किए जाते हैं जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं कि आपके स्कूल में पानी की सुविधा है या नहीं, प्लेग्राउंड की सुविधा है या नहीं। इस प्रकार से अगर आपको हिंदी में भी यह जानकारी प्राप्त करना है तो उसे हिंदी में कन्वर्ट करके भी यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश से क्वेश्चंस किए गए हैं, देखिए आप पर इंग्लिश में ही आंसर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर और जितने भी मार्क्स प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर 0 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आप देख सकते हैं ऑप्टेंड मार्क, जितने मार्क प्राप्त किए गए हैं उसको यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद टोटल करने के बाद में जो मार्क्स टोटल किए जाते हैं, तो देखिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए स्कीम्स लिखी हुई है, नेम, यहाँ पर जो जितने भी क्राइटेरिया दिए हुए रहते हैं, उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद टोटल मार्क रहते हैं, इस मार्क के बाद जो ऑप्टेंड मार्क रहता है, यहाँ पर देखिए ऑप्टेंड मार्क कितने प्राप्त अंक प्राप्त किए गए हैं। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के लिए है तो यहाँ पर 144 नंबर का होगा ये, और यहाँ पर अगर मिडिल स्कूल होता तो मिडिल स्कूल के लिए यहाँ 165 है इसका क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज में लिखा है 50%। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल जिसका हम बता रहे हैं उसने 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर यह शाला जो हमारी पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित शाला में नहीं आएगी। क्योंकि क्या है कि जो शहरी क्षेत्रों की स्कूल है वहाँ पर हमें 70% अंक लाने जरूरी होते हैं। और अगर यह जैसे कि यहाँ पर यह है जो शाला है हम जिसका बता रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम यहाँ पर 60% हमें लाने थे, पर यहाँ पर आया 50%। यदि इस प्रकार से, तो इसलिए ये शहरी क्षेत्रों के लिए 70% जिन शालाओं को आ जाता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो है DNO उनके द्वारा यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और उन शालाओं का चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% है, तो इन शाला का चयन नहीं होगा। अगर यह 60% के ऊपर होता कि जैसे यह अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 60% के ऊपर लाने जरूरी होते, और अगर यह शहरी क्षेत्र में है तो 70% के ऊपर मार्क हमें लाने होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जानकारी आपको प्राप्त हुई है, तो उन्हीं शालाओं का यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो साथियों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के सामने लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।